कल इतना मौसम ठंडा था कि हम लोगों ने सबने फुल फुल कपड़े पहन लिए थे, है ना। और आज देखो धूप निकल रही है, फिर तो भी बारिश का, कभी बारिश ही नहीं होती, फिर भी बारिश का मौसम थोड़ा थोड़ा बन रहा है, लेकिन आज उतनी आएगी नहीं, आएगी तो आएगी थोड़ी बहुत आएगी, लेकिन धूप निकल रही है आज फिर से। मतलब ये लोग आ जाएंगे फिर शॉर्ट्स में, क्यों है ना, गर्मी लग रही है अभी। ये देखिए यहाँ पर आ गई है बिग बास्केट की सब्जी, क्योंकि सब्जियाँ हो गई है बहुत महंगी, बारिश आती है सब्जियाँ हो गई बहुत महंगी, और ये थोड़ी सस्ती सब्जी ले आए बिग बास्केट से, और लाते के साथ इसको टेबल में फैला दिया गया है मेरे लिए कि मैं इसको रखूँगी, मैं रखूँगी ही नहीं इसको। और आज डिमांड हो रही है कि क्या खाया जाए, भाई कैमरा ही मेरा ऐसा हो रहा है। मम्मी मैं ना वापी चोई, क्या हुआ आज तेरे पापा की डिमांड है, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही, आज डिमांड हो रही है कि आलू के मतलब ब्रेड पकौड़ा खाया जाए, आलू भर के, वो भी प्लेन वाला नहीं, आलू भर के। अब मैं अब बजने जा रहे हैं 10, अभी तो मैंने आलू बॉयल करे हैं उठ के, फिर बर्तन धोए हैं, क्योंकि फिर बाद में बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, फिर बर्तन धोए मैंने, अब मैं आलू इसको छील के मसाला वसाला करके देखते हैं, ब्रेड पकौड़ा बन गया तो ब्रेड पकौड़ा बना दिया, नहीं बन गया तो आलू वाले सैंडविच बना दिया। तुम लोग क्या करोगे भाई, अरे तुम लोग क्या करिए, घूम घूम के पड़ रहा है, किताब लेके बस घूमता रहता है, पार्सल दे रहा। तू क्या कर रहा है, पार्सल दे रहा है, तो पढ़ाई कर रहा है। चलो तो हम आलू अब छीलना शुरू कर लेते हैं। जा रही है भाई सब्जी, रखी जा रही है पति देव सब्जी रख रही है, क्या है भिंडी, अरे भिंडी क्यों मंगा ली, भिंडी कोई खाता ही नहीं है, मैं ही खाती हूँ बस भिंडी। चलो फटाफट रखो इनको, ज्यादा उसको टाइट बंद करने की जरूरत नहीं है उसको। और टमाटर रखो, टमाटर में से कुंदरी के लिए इतनी बड़ी बननी, अच्छा चलो फटाफट टेबल साफ करो इसको, मतलब सामान रखो यहाँ से, इसको पहले बन जाएगा ये, इसको ऊपर ही रख दो। आलू मैश कर लिया है मैंने, अब इसमें डालती हूँ, अब ये ना ठंडा भी हो गया, मौसम इतना ठंडा ठंडा हो रहा है ना, मेरे को गर्म रखना था इसको, इसमें डाल देती हूँ थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा हो गई है ना, फिर भी टेस्ट तो आना चाहिए ना। अब ये है थोड़ा सा, क्या ये गर्म मसाला, ये डाला इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, अब इसमें थोड़ा सा डाल देती हूँ, वो जीरा पाउडर था, सॉरी वो जीरा पाउडर था, गरम मसाला भी जाएगा, ये है गरम मसाला, इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा नमक, अब इसको मिक्स कर लेते हैं। चलो हम इसको मिक्स करके फिर मैं बेसन का घोल बनाऊंगी। अभी बेसन का घोल बना रही हूँ मैं,
घर में कुछ लाई नहीं क्या डालने के लिए? थोड़ा सा डाल देते हैं बेसन, ज़्यादा नहीं डालती क्योंकि मेरे को उसको पतला करना है। थोड़ा पानी डाल के इसको घोल बना के रहती हूँ। इधर रख देते ना, इधर इस टेबल में, किचन में मैं अभी काम करूंगी, वहां सामने में आपने जाके रख दिया होगा। मुझे नहीं है बेसन क्या क्या हुआ क्या हुआ पागल हो? घोल बनेगा धीरे धीरे तो पानी डलता है। आप सब ये रिकॉर्ड हो रहा है, पागल हो ऐसे करके? हम बना लेते हैं भैया, अभी तो हमारा बन भी गया वो आज तक हमने खाया नहीं है दोस्तों, आज तो कोई चीज खाई नहीं है, ठीक है ना? वो बन गया होता हम जब थे लड़के लड़के साथ रहते, अब बात शुरू हुई तो अब दूर तक जाएगी। लड़के लड़के हम ये बनाते थे, वो आज तक मैंने खाया नहीं है, शादी को दूसरा साथ चल रहा है, ठीक है ना? वो खाया नहीं है। चश्मा रख मेरा, चल हमारे घर में भी ये बनता था वो बनता था, खाया नहीं है कभी, वहां पर जाके भी अपने हाथ का खाया है। क्या कुछ भी चीज अपने हाथ की खाई है, खाना मेन जो खाना होता है अपने हाथ का खाया, अपने हाथ का पका खाया और वो जठानियों के हाथ का पका हुआ खाया, बाकी लोगों का खाया वो कभी कभार। अब इसमें डाल देती हूँ इस घोल में, अब इसमें और पानी डालना है, पहले मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ी सी लाल मिर्च, ज़्यादा नहीं डालूंगी, थोड़ी डालूंगी, और ये इसमें डालूंगी थोड़ी सी, इसमें डाल रही हूँ, मैंने अंदर मसाले में नहीं डाला, इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देती हूँ, और ये डाला थोड़ा सा जीरा पाउडर, और ये डाला थोड़ा सा इसमें, अंदर मैंने मसाले में लहसुन अदरक नहीं डाला, लेकिन इसमें मैं डालती हूँ थोड़ा सा इतना लहसुन पन्ना इसको। बच्चों इधर आओ, ये ढक्कन बंद करो सब चीजों के, चलो ढक्कन बंद करो, ये इसके ढक्कन बंद करो, थोड़ा थोड़ा काम इनसे भी कराते रहना चाहिए। तो इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी, वो उसका ढक्कन है हाँ, अब जरूरत पड़ेगी तो इसमें और डाल लेंगे पानी बाद में, इसको थोड़ा पतला ही रखा मैंने। इसको रख देते हैं साइड में। अब जब तक मैंने क्या कहते हैं उसको, किसको भाई, अरे मैं भूल गई, हाँ बेसन के घोल को बना के उसको रख दिया थोड़ा देर। और मैं ये बता दूँ उसमें मैंने कुछ भी सोडा वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं डाला, नॉर्मल नमक। अब ये लगा लेते हैं सारी, पहले सब ब्रेड में ये लगा लूँगी मैं, उसके बाद फिर एक ही बार में तलने के लिए जाएंगे। ये सारे के सारे ब्रेड हो चुके हैं,
और ये रह गया। अब ऐसे वाले पीस भी रहते हैं, मैं इसको भी कर दूँ क्योंकि आलू बच गया यार। मैं तो सोच रही थी आलू ही नहीं पूरा पड़ेगा, बट बच गया। अब घर में बन रहा है तो हम जैसे मर्जी खा लेते हैं। अब मैंने कहीं के आलू कम ना लाए क्या बचाने के चक्कर में, सब में चले जाओ उसके चक्कर में, इसलिए अब जो लास्ट में होगा ना उसमें तो भर भर के डलेगा। सारे के सारे ना वेट कर रहे हैं, ये सोचते हैं ब्रेड पकौड़ा बनना है ऐसे ही। तो ब्रेड पकौड़ा आसान तो है, ब्रेड में आलू डाला और तल दिया बेसन में घोल के, ये नहीं पता उसमें बेसन आलू भी बॉईल करना है, ठीक है। फिर उसमें मसाला डाल के ब्रेड में फैलाना है, ठीक है, टाइम लगता है उसमें। फिर बेसन अलग से घोल के रखना है, फिर उसको तलना है, तलने में नहीं कि निकाल दिया। अब बैठे हैं 11 बजने जा रहा है, वेट कर रहे हैं सारे के सारे, खा ले उसको कल की पूरी। ये ऐसा वाला ये वाला भी मैंने नजदीक है, क्या हुआ। अब ये है एक लास्ट बचा हुआ है, इसको भी मैं डालता हूँ, इसको मोड़ दूंगी इसको डबल। गेट नंबर किसका, गेट नंबर भाई, लगता है इसको शिफ्ट कर देना चाहिए दूसरा। चलो भाई हो गया। इतने गुस्से में क्यों है, हाँ लग गया तेल गरम गरम।
जी के दो बंदे ठीक है आज का ठीक है पहले वाले से बेटर है कि वैसे के वैसे अच्छा यार कैसा है पहले वाले से बेटर है क्या ठीक है मस्त है मेरे को बोला था मस्त है ये है वो है तो बन चुके हैं मेरे ब्रेड पकौड़े इन तीनों बाप बेटा ने खा भी लिए मेरी बारी है मेरा मेरा मैंने ना टिश्यू से एक्स्ट्रा और भी इसको सोख लिया मेरा फेस तो दिखाई नहीं रहा पहले जब बनाया था उससे ज़्यादा टेस्टी है मसाला वसाला मैंने ढंग से डाला है ना इसमें इस बार और क्रिस्पी भी है बढ़िया चलो आज ये ब्रेकफास्ट वाले ब्लॉग करते हैं पूरे दिन का मैं दिखाऊंगी नहीं ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें मेरी शक्ल ही नहीं दिख रही यार ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।